सिक्किम में मंगलवार देर रात बादल फटने के बाद तिस्ता नदी में अचानक बाढ़ आने से भयंकर तबाही मची है। कितने घर और इमारतें गिर गई हैं, लोगों को काफी नुकसान हुआ है। दरअसल इस भीषण बाढ़ की पहली वजह सिक्किम में ज्यादा बारिश है। इसके अलावा ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की वजह से अचानक तिस्ता नदी में इतना पानी समा गया कि नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस बाढ़ में सिक्किम का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया, नेशनल हाईवे भी क्षतिग्रस्त हो गया। सिक्किम के मनगन, गंगटोक, पाकियोंग, नामची जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। आपको बता दें, इस तबाही में उत्तरी सिक्किम में फंसे लगभग 3000 पर्यटकों को अब तक निकाला नहीं जा सका है। वायुसेना की तरफ से MI-17 हेलीकॉप्टर भेजने के कई प्रयास किए गए, लेकिन खराब मौसम के कारण सफलता नहीं मिली। दरअसल निचले इलाकों में बादल छाए रहने और लाचेन और लाचुंग की घाटियों में कम विजिबिलिटी होने के कारण समस्या आ रही है। इसलिए बागडोगरा और चाटन से हेलीकॉप्टर उड़ान भरने में असमर्थ है। उन्होंने कहा, अगर मौसम ठीक रहा तो हवाई बचाव अभियान फिर से शुरू होने की उम्मीद है। इसी के साथ आपको बता दें, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने मृतकों के परिवार के लिए 4 लाख रुपए का मुआवजा देने और शिविरों में रुके लोगों के लिए 2000 रुपए की तत्काल राहत की घोषणा की है। CM ने कहा, 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, हम नुकसान के बारे में अभी सटीक जानकारी नहीं दे सकते हैं। एक कमेटी गठित होने और अपना एनालिसिस पूरा करने के बाद इसके बारे में बताया जाएगा। हमारी पहली प्राथमिकता फंसे हुए लोगों को बचाना है और उन्हें तत्काल राहत प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने विस्थापितों को क्षेत्र के सबसे बड़े शहर सिलीगुड़ी एक मुफ्त चिकित्सा उपचार यानी फ्री ट्रीटमेंट और साजो सामान संबंधी सहायता देने का भी आश्वासन दिया। CM ने प्राकृतिक आपदा पर राजनीति करने के लिए विपक्ष की भी आलोचना की। वहीं आपको बता दें, जो लोग सिक्किम के बाहर से हैं और यहाँ काम कर रहे हैं, अब वो घर लौटना चाहते हैं। इसी के साथ आपको ये भी बताते चले कि कयास ये भी लग रहे थे कि नेपाल में आए भूकंप से सिक्किम में तबाही मची है, लेकिन इस पर फिलहाल वैज्ञानिकों का कहना ये है कि अभी एकदम से नेपाल के भूकंप और सिक्किम के ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड को जोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन हम इसके संबंधों की जांच कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ बादल फटने से इतनी बड़ी घटना नहीं हो सकती। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।